सितारों के सितारे में हम बात करेंगे आज सुष्मिता सेन और लारा दत्ता की कुंडली की। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, यही वो दो नाम हैं जिन्होंने भारत को ब्रह्मांड सुंदरी का ताज दिलवाया। सुष्मिता सेन ने 1994 में यह प्रतियोगिता जीती थी और लारा दत्ता ने 2000 में खिताब जीता था। सुष्मिता सेन की मुख्य फिल्में बीवी नंबर वन, मैं हूं ना, आंखें, बस इतना सा ख्वाब है, सिर्फ तुम आदि हैं। बीवी नंबर वन के लिए सुष्मिता सेन को फिल्म फेयर आईफा और स्क्रीन अवार्ड भी मिले। वहीं लारा दत्ता की मुख्य फिल्में अंदाज, मस्ती, नो एंट्री, काल, पार्टनर, हाउसफुल, फना आदि हैं। इन्हें पहली फिल्म अंदाज के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 2011 में लारा ने दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति से विवाह किया था। आइए इनकी उपलब्ध कुंडलियों के माध्यम से इनके जीवन पर भाग्य की क्या स्थिति है उसके बारे में विवेचना करते हैं। पहले बात करते हैं सुष्मिता सेन की वृश्चिक लग्न की कुंडली। लग्नेश मंगल इनकी कुंडली के अंदर अष्टम स्थान में बैठे, यानी कि सूर्य कुंडली के अंदर मंगल के अष्टम हो जाने ने आपने हमने देखा जब पिछली कुंडलियों की, जब कला जगत की बहुत सारी कुंडलियों की बात करे थे, तो सूर्य का संबंध शुक्र से होना बड़ा महत्वपूर्ण एक योग दर्शा रहा था। लेकिन यहां मंगल बुध की राशि के अंदर बैठे हुए और बुध राहु के साथ बैठे हैं, तो ये राहु के साथ शुक्र की राशि में, तुला राशि के अंदर बुध बैठे हैं, तो यहां कहीं ना कहीं इनके जीवन के अंदर वो ऊंचाई जिसकी सब लोग कल्पना, जो ऊंचाई हम देखते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन को मिली, जो ऊंचाई अन्य जो प्रतिभागियों को मिली, वो कहीं उस ऊंचाई से थोड़ा पीछे रहता हुआ ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी स्थिति के अंदर चंद्रमा उच्च का होकर के इनके सप्तम स्थान में बैठा हुआ, यानी इनके अंदर इन भाव, प्रणयता, ईमानदारी, अपने रिश्तों को ठीक से निभाना और बहुत ही साफ बातचीत करना, ये इनके जो गुण हैं, ये सूर्य और चंद्रमा की जो दृष्टि संबंध है उसने तय किया कि एक बहुत ही लर्नेड सा व्यक्ति आपको स्क्रीन पे दिखता है, एक बहुत ही एक ज्ञानवान, एक हर जिस भी उन्होंने रोल में गए लेकिन वो अपनी विद्वता को छिपा ना पाए, मतलब हर रोल के अंदर वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, ये हमेशा आपको देखने को मिला। तो ये बृहस्पति स्वराशिष्ट होकर के शुक्र से दृष्ट होना और सूर्य और चंद्रमा का दृष्टि संबंध, ये दोनों ने उनको एक एक बहुत ही अलग तरह का सितारा बनाया, एक अलग ही तरह की भूमिकाओं में वो हमेशा सफल रहीं, ये एक सुष्मिता सेन जी के बारे में अपन कह सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं लारा दत्ता के बारे में, तो सूर्य, चंद्रमा और केतु इन तीनों का संबंध मीन राशि से हम देखते हैं। मीन राशि के अंदर सूर्य भी है, चंद्रमा भी है और केतु भी है। सूर्य चंद्रमा साथ होना, सूर्य चंद्रमा का दृष्टि संबंध होना, कहीं ना कहीं वही स्थिति यहाँ सुष्मिता सेन की कुंडली में उनका दृष्टि संबंध है और यहाँ साथ बैठे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा अगर साथ होते हैं या दृष्टि संबंध बनता है तो व्यक्ति अपने ऊपर अपनी इच्छा से चीज़ों को डील करने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, बजाय इसके कि लोग उनको उनके तरीके से डील करें या उन वो दूसरे लोगों के मन से चलें। शुक्र का यहाँ बुध के साथ में मेष राशि में होना और मंगल का कर्क राशि में होना, ये कहीं ना कहीं लारा दत्ता को भी वो ऊंचाई, जो ऊंचाई एक उनके जो प्रतिद्वंदी, उनके जो साथी ऐश्वर्या राय को मिली, जो कॉम्पिटिशन्स के अंदर सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और ऐश्वर्या राय तीनों साथी एक तरह से आए, लेकिन यहाँ इनको अगर हम देखते हैं लारा दत्ता को और सुष्मिता सेन को, तो ये कहीं हम देख पाते हैं कि मंगल का सही पोजिशन पर नहीं होना उतनी ऊँचाई से, लेकिन सूर्य चंद्रमा का साथ होना, तो अपने तरीके से चीज़ों को डिक्टेट करना, अपने तरीके की सफलता लेना, अपने तरीके की चीज़ों के साथ में आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शुक्र बुध यहाँ जैसा कि मंगल की राशि में, और बृहस्पति का लारा दत्ता की कुंडली के अंदर भी बुध की राशि के अंदर यहाँ, तो ये शब्दों के और धन के सही प्रबंधन को समझने की दक्षता देता है। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडलियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।